रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 75 जिलों की 75 खबरों की। कानपुर देहात में किसान का खेत में मिला शव, दो दिन से था लापता, जांच में जुटी पुलिस। आगरा में शराब पीकर दरोगा ने दंगा भड़काने का किया प्रयास, मोहर्रम के जुलूस के लिए झंडे लगाने वाले को दी गालियां। कोरोना नहीं लेकिन धूल से बचने के लिए पहने मास्क, एनसीआर की हवा में 48% धूल, बनी जान का खतरा, मास्क पहनना अंतिम बचाव। 4 दिन में 2.05 मीटर बढ़ा गंगा का जल स्तर, वाराणसी में टूट गए घाटों के संपर्क, आरती अब छत पर हो रही। बिना हेलमेट शहर में नो एंट्री, एसपी अंबेडकर नगर ने शुरू की पहल, कहा अभियान से हादसों में जान बच सकेगी। कानपुर में बहन से रेप करने वाले दो सौतेले भाई अरेस्ट, कानपुर में पॉर्न वीडियो दिखाकर करते थे रेप, दंपति ने 9 साल पहले लिया था गोद। पीलीभीत में रेफर सेंटर बना जिला महिला अस्पताल, गर्भवती महिला और रेप पीड़िता को किया रेफर, डॉक्टरों की कमी की मार झेल रहा अस्पताल। विंध्याचल में बजा पीएसी बैंड, जवानों ने लहराया तिरंगा, धाम में फ्लैग मार्च कर जवानों ने भरा देशभक्ति में जोश। हमीरपुर में यमुना और बेतवा ले रही रौद्ररूप, डैम से छोड़ा जा रहा पानी, बेतवा पहुंच सकती है खतरे के निशान के ऊपर। आगरा में तिरंगे से उड़ाए कबूतर, हिंदूवादियों ने दी तहरीर, कार्रवाई न होने पर प्रदर्शन की धमकी, जांच में जुटी पुलिस। देवरिया में 8 थाना अध्यक्षों के कार्य क्षेत्र में फेरबदल, एक इंस्पेक्टर और एक सब इंस्पेक्टर को थाने की मिली कमान। गाजीपुर जिला अस्पताल में भर्ती पिता को नहीं मिली बुनियादी सुविधाएं, समाज सेवी ब्रजभूषण दुबे ने खराब व्यवस्थाओं पर किया ट्वीट। कुशीनगर में आरएसएस कार्यकर्ता पर समुदाय विशेष पर हमला करने का आरोप, गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज रेफर। झांसी में आधी रात को सड़क पर निकले एसएसपी, घुमंतु एवं बावरिया गिरोह की धरपकड़ के लिए चल रही थी चेकिंग, खुद चेकिंग। कानपुर में नाबालिग किशोरी और युवक निकाह करने मस्जिद पहुंचे, दोनों हिंदू इमाम ने दबाव के बाद फातिया पढ़ा। जौनपुर में लोहे की रॉड से पीट पीट कर दोस्त की हत्या, शराब पीने के बाद किसी बात को लेकर हुई थी कहासुनी, चारों आरोपी फरार। यूपी में कोरोना फिर से बना जानलेवा, 24 घंटे में 2 लोगों की मौत, 15 दिन में 182% बढ़े केस, फेस्टिव सीजन में कोरोना संक्रमण हावी। बिजनौर में ट्रेन की चपेट में आने से 3 दोस्तों की मौत, गुरुग्राम में सेल्फी लेते वक्त हुआ हादसा, फर्नीचर गोदाम में काम करते थे युवक। बंदम में पुलिस ने निकाली तिरंगा यात्रा, तिरंगा फुट पेट्रोलिंग, देशभक्ति की भावना को जगाया, 200 पुलिसकर्मियों ने लिया हिस्सा। फतेहपुर में शॉर्ट सर्किट से रेडीमेड दुकान में लगी आग, 4 लाख का कपड़ा जलकर राख, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। फरुखाबाद में पूर्व सांसद ने सभा के टिकट बेचने का लगाया आरोप, पार्टी कार्यालय पर सदस्यता अभियान कार्यक्रम के दौरान पूर्व सांसद ने कही बात। गुना में 6 साल के मासूम के साथ दुष्कर्म, पड़ोसी ने ही घटना को दिया अंजाम, आरोपी युवक फरार। फिरोजाबाद में बदमाश पुलिसकर्मी बनकर करते हैं लूट, 2 महीने में हुई 5 घटनाएं, आगरा मैनपुरी एटा की सीमा में करते हैं वारदात। ललितपुर में पुलिसकर्मी ने की पीआरडी महिला कर्मी से छेड़खानी, बाइक पर बैठने के लिए कह रहा था, मना करने पर लात घूंसों से जमकर पीटा। आयकर विभाग पर 50 लाख का जुर्माना, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मनमानी कार्यप्रणाली को न्याय के खिलाफ माना, लगाई फटकार। वेस्ट यूपी के कचहरी में खून खराबे के 5 केस, रंजिश गैंगवार में 8 की जान गई, 1 दिन पहले हापुड़ में हिस्ट्री शीटर का मर्डर। हरदोई में महिला पुलिसकर्मियों ने हाफ मैराथन में लिया भाग, आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित हुआ प्रोग्राम। गाजीपुर में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, पिस्टल के साथ 2 गिरफ्तार, 1 पर था 25,000 का इनाम घोषित।
ग्रीन कॉरिडोर ने 40 दिन में बचाई 13 जिंदगी। इमरजेंसी में एक कॉल पर ठहर जाता है पूरा शहर, कुछ मिनटों में हॉस्पिटल पहुंचा देती है एम्बुलेंस। जालौन में छात्र ने लाइसेंसी राइफल से खुद को मारी गोली, मौत बीएससी में पड़ता था युवक, घटना के वक्त घर पर कोई मौजूद नहीं था। और आई में 200 फीट गहरे कुएं में गिरा युवक, अधिकारियों ने सूझबूझ से बची जान, युवक के लिए फरिश्ता बनकर आए फायर अधिकारी। बदायूं में जिम्मेदारों की साठगांठ से हो रहा अवैध खनन, जिम्मेदार अफसर साधे हैं चुप्पी। बुलंदशहर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने मोबाइल लूट चोरी करने वाले गिरोह के 6 छात्र सदस्य किए गिरफ्तार। गाजियाबाद में एक मकान में अचानक लगी आग, आग लगने से लोगों में फैली दहशत, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। गाजीपुर में पूर्व सांसद पप्पू यादव का विवादित बयान, कहा राजनीति का चरित्र वैश्य के चरित्र से भी ज्यादा गंदा। बुलंदशहर में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर ग्रामीणों ने शव सड़क पर रखकर लगाया जाम। गोंडा में दिन दहाड़े एक व्यक्ति का अपहरण, अपहरणकर्ता ने मांगा 11 लाख की फिरौती, अपहरण की सूचना मिलने पर क्षेत्र में हड़कंप। हरदोई में ससुराली जन के उत्पीड़न और पुलिस की प्रताड़ना से परेशान ट्रक चालक ने किया आत्महत्या, सुसाइड नोट पुलिस को हुआ बरामद। कुशीनगर में स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर पुलिस जवानों और आम जनमानस के साथ किया गया तिरंगा रूट मार्च। लखनऊ के दुबग्गा में वन विभाग में पेड़ से लटकता हुआ मिला युवक का शव, मृतक परिजनों ने दोस्त पर लगाया हत्या का आरोप। मथुरा में दिनेश शर्मा ने सीएम योगी को खून से लिखा पत्र, सीएम से जन्माष्टमी पर शाही ईदगाह में लड्डू गोपाल के अभिषेक की मांगी इजाजत। प्रतापगढ़ में युवक ने दबंगई पर लगाया नगदी और जेवरात, दबंगों पर नगदी और जेवरात ले जाने का आरोप लगाया, पुलिस मामले की नहीं कर रही कार्रवाई। संभल में हिंद स्टेडियम में एनसीसी कैडेट्स की भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया का किया गया आयोजन, काफी संख्या में कॉलेज के विद्यार्थी रहे उपस्थित। सिद्धार्थनगर में औसानपुर सिवान के पास कुएं में बोरी में मिला गौवंशों की हड्डी और अवशेष, मौके पर पहुंची पुलिस, पड़ताल में जुटी। संभल में जाहरवीर के दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं का टाटा मैजिक पलटा, हादसे में 15 श्रद्धालु घायल। चंदौली में आजादी का जश्न, कोतवाली में डांस का वीडियो वायरल, तिरंगा यात्रा के बाद थाने में जमकर लगाया ठुमका, मुगलसराय कोतवाली का मामला। फरुखाबाद में विद्युत विभाग की लापरवाही आई सामने, जमीन से लगभग 5-6 फीट ऊंची विद्युत लाइन के नीचे से निकलने को मजबूर है ग्रामीण। कानपुर के महाराजपुर में झोपड़ी में खाना बनाने के दौरान फटा सिलेंडर, सिलेंडर फटने से एक व्यक्ति हुआ घायल। लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर, बाइक सवार पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल। अमेरिका में सीएम योगी, बुलडोजर बाबा की धूम, न्यूजर्सी में आई जश्न की तस्वीरें, भारतवासियों ने सीएम योगी के बुलडोजर की निकाली यात्रा। फतेहपुर में बिजली विभाग में बिलिंग कंपनी स्टर्लिंग की मनमानी, उपभोक्ताओं को नहीं मिल रहे बिल, कार्यवाही के नाम पर खानापूर्ति कर रहा विभाग। चंदौली में चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामले में सीबीआई ने कोर्ट में दाखिल की 2000 पन्ने की चार्जशीट, लगे हैं गंभीर आरोप। फरुखाबाद में जिलाधिकारी का मानवीय चेहरा आया सामने, आयोजित भोज कार्यक्रम में डीएम संजय कुमार सिंह ने नंगे पैर खुद परोसा खाना। लखनऊ में कल्याण सिंह की पहली प्रतिमा का होगा अनावरण, कैंसर संस्थान में लगेगी कल्याण सिंह की प्रतिमा। श्रावस्ती में राजस्थान के छात्र की मौत के मामले में भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, हत्यारे शिक्षक को फांसी देने की मांग। नोएडा में बीच सड़क पर दबंग युवक खुलेआम गुंडागर्दी करते आया नजर, युवक को सेक्टर 22 एजॉब चौराहे पर दनादन घूसे बरसा रहा युवक। श्रावस्ती में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, पशु तस्करों को पुलिस टीम ने धर दबोचा, 2 पशु तस्कर, पिकअप से 4 पशु भी बरामद। लखनऊ के गौतमपल्ली पुलिस ने निकाली तिरंगा यात्रा, तिरंगा यात्रा में गौतमपल्ली थाने के पुलिसकर्मी हुए शामिल। श्रावस्ती में पुलिस प्रशासन ने भेलंगा नगर में निकाली तिरंगा यात्रा, नगर के व्यापारियों ने पुलिसकर्मियों पर जगह जगह की पुष्प वर्षा।
लखनऊ में युवक को उधार रुपया वापस मांगना पड़ा भारी। रुपया मांगने पर एक दर्जन दबंगों ने युवक का अपहरण कर लात घूंसे डंडे बरसाए। चंदौली के कलेक्ट्रेट में आयोजित किसान दिवस में जमकर हुआ हंगामा, आक्रोशित किसानों ने किया किसान दिवस का बहिष्कार। देवरिया जिला कारागार में प्रस्तुत किया गया सांस्कृतिक कार्यक्रम, कार्यक्रम के दौरान जेल प्रशासन द्वारा तिरंगा यात्रा भी निकाली गई। हरदोई में एक ही परिवार के चार लोगों की बिगड़ी हालत, सभी को जहर की आशंका, जिला अस्पताल में किया गया भर्ती। कानपुर के मदनपुर चौकी के पास दबंगों ने युवक को बेरहमी से पीटा, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लखनऊ के मोहनलालगंज में किशोरी से दुष्कर्म का आरोपी मौलाना गिरफ्तार, पुलिस ने मौलाना फकारे आलम को कहा मोड़ से दबोचा। वाराणसी के काशी में सुभाष तीर्थ पर दी गई सलामी, नेताजी के मंदिर में लोग बोले जिन्होंने देश के टुकड़े किए उन्हें माफी नहीं। देवबंद के मदरसे से आतंकी नदीम का कनेक्शन, नूपुर शर्मा पर फिदायीन हमले की पीडीएफ पढ़वाने आता था। जालौन में 50 रुपए के लिए दुकानदार ने ग्राहक को चाकू मारा, हालत गंभीर, बिरयानी खाने गया था, प्रभारी बोले दोनों शराब के नशे में थे। मेरठ में 200 सफाई कर्मचारी हड़ताल पर उतरे, 4 महीने से सैलरी नहीं मिलने पर कर रहे हैं धरना प्रदर्शन। फिरोजाबाद में डायल 112 ने निकाली तिरंगा यात्रा, आईजी नचिकेता झा बोले पुलिस संकट में लोगों की मदद के लिए तैयार। पीलीभीत में महिला ने अस्पताल गेट पर दिया बच्चे को जन्म, आशा गई थी ब्लड टेस्ट करवाने, सीएमओ बोले मामले की कार्रवाई जाएगी जांच। शामली में नगर पालिका के सभासद और संविदा कर्मियों ने किया हंगामा, कहा कर्मचारी करते हैं उत्पीड़न, ठेकेदार हर महीने मांगता है 1700 कमीशन। आगरा में महाराष्ट्र को रवाना हुई गरुण उड़ान यात्रा, 1253 किलोमीटर लंबी यात्रा में 1000 धावक और घुड़सवार शामिल। जालौन में किसानों ने दिया धरना, जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग, बारिश ना होने से किसानों की हालत खराब। प्रयागराज में SRN के ऑटो में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, मरीज का चल रहा था ऑपरेशन, वार्ड में फंसे 8 मरीजों को सुरक्षित निकाला गया। पिछहत्तर जिलों की 75 खबरों में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं